नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। राजधानी जयपुर के न्यू सांगानेर रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में 14 फरवरी को हनुमंत कथा का यज्ञ हवन आदि पूजन कार्य किया जाएगा। इसी के निमित्त आज राधा कृष्ण मंदिर से महिलाओं ने मिट्टी के कलश और नारियल के साथ कलश यात्रा निकाली। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए कथाव्यास अभिजीत लदाना ने बताया कि 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में हनुमान जी के जन्म से लेकर उनकी पूरी लीला कथा सुनाई जाएगी। धर्म रक्षा न्यास के पावन सानिध्य में श्री हनुमंत कथा का आयोजन हुआ है। हनुमंत कथा के कलश यात्रा के पश्चात में प्रथम दिवस में हनुमान जी महाराज के बाल चरित्र का वर्णन होगा। बाल चरित्र के वर्णन होने के बाद में बाल जो हनुमान जी महाराज ने बाल्यकाल में सूर्य भगवान को मुँह में लेना, जो ऋषि मुनियों के द्वारा स्वाप राहु को प्रताड़ना करना, इन सब का कथन है। उसके पश्चात में द्वितीय दिवस में और तृतीय दिवस में हनुमान जी के रूपों का वर्णन होगा। तत्पश्चात धर्मरक्षा न्यास के माध्यम से भगवान की जो भी खंडित मूर्तियां, तस्वीरें, छाया चित्र है, हम पूर्णावती के पश्चात में हम इस क्षेत्र के सभी खंडित मूर्तियों, तस्वीरों को हमारे रामरथ में विराजमान करके और संपूर्ण विधि विधान से भू विसर्जन का कार्य करते हैं। कभी हम गलताजी ले जाते हैं, कभी पुष्कर, कभी हरिद्वार। तो इस हनुमान कथा का यही प्रयोजन है कि हनुमान जी महाराज ने जिस प्रकार राम जी तक पहुंचाने का कार्य किया है, आज संपूर्ण विश्व में जितने भी रामचंद्र भगवान के, सीताराम भगवान के मंदिर नहीं हैं, उससे ज़्यादा मेरे हनुमंत लाल के मंदिर है, क्योंकि भगवान तक पहुँचने का माध्यम श्री हनुमंत लाल जी ही है। आपको बता दें कि कलश यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विशिष्ट अतिथि के रूप में नवतेज फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक मधु धाकड़ ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां धर्म होता है, न्याय होता है, क्योंकि महिलाएं जब आगे बढ़ती है तो वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और मुझे इस ग्रुप की महिलाओं ने हनुमान जी की कथा को अपने सिर पर रखने का सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं इन सभी का आभारी हूँ। परंपराओं का हिस्सा है जो हमें पावर देता है। जब भी आदमी भागवत सुनता है, रामायण सुनता है, हनुमान जी की कथा सुनता है, उसको पावर मिलती है। जिस धर्म के रास्ते पर पावर मिलती है, उस पर चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारी जो महिलाएं हैं वो धर्म को हमेशा जिंदा रखे हुए हैं। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ, जहाँ महिलाओं का सम्मान होगा, वहाँ धर्म होगा, न्याय होगा, सफलता होगी, सच्चाई, ईमानदारी होगी और लक्ष्मी जी का वासा भी होगा। तो महिलाएं जब आगे बढ़ती है तो ये मानकर चलिए वहाँ धर्म का प्रचार होता है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको, क्योंकि तो इनका जो ग्रुप है ये हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता रहता है। मुझे भी अच्छा लगा कि इन्होंने आज मेरे को यहाँ पे जो मौका दिया, हनुमान जी महाराज की कथा को मैं अपने सर पे रख के लाया। हालांकि मुझे सिर्फ इनको रवाना करना था, लेकिन जब इनका आदेश हो गया तो फिर मैं भी चला। तो बजरंगबली की कृपा हो जाए, बस ये चाहिए, और सब बहुत बढ़िया, सब भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। इस कलश यात्रा में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई नवतेज फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजक मधु धाकड़ ने बताया कि 14 फरवरी के आयोजन में कलश यात्रा में शामिल हुई सभी महिलाओं को तुलसी जी और शालीग्राम भेंट किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।